गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स में अपन बात करने वाले हैं आज रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग जो होता है उसके डेफिनेशन अपन लिख चुके हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन टू बी चेंज, यानी कि क्रियाकारक हो या उत्पाद हो उनकी सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। क्या होता है अभिक्रिया का वेग, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है। आज अपन ग्राफ से देखेंगे इसको। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। इस ग्राफ में कंसंट्रेशन और टाइम के ऊपर एक्सेस अपन लेते हैं। तो ये कंसंट्रेशन एक्सेस ले ली मैंने, ये टाइम टी है आपका इस एक्सेस पे। अब अगर मैं बात करूं क्रियाकारकों के संबंध में, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कितना होता है? मैक्सिमम होता है और धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है और फिर अनंत समय तक जाता है, इन्फिनिटी पे जाता है। यहां पे आके पैरेलल चलता रहता है, ठीक है। अगर इसी ग्राफ को मैं बनाऊं, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन है इस एक्सिस पर, यहां पर टाइम है। तो ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ऐसा आएगा, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में जीरो होता है, मैक्सिमम होता है, और उसके बाद फिर इस तरह से सीधा पैरेलल चलता रहता है इस एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हो गया फोर प्रोडक्ट उत्पाद के संबंध में, और ये हो गया फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कैसा ग्राफ होता है और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कौन सा ग्राफ होता है। रिएक्टेंट स्टार्टिंग में मैक्सिमम होता है, फिर धीरे 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 कम होता है, और एक टाइम के बाद फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से पैरेलल चलता है। यहां पर प्रोडक्ट स्टार्टिंग में जीरो होता है, जीरो से बढ़ता है, और बढ़ने के बाद मैक्सिमम लेवल पर जाने के बाद फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये बात अपन यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ की कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग के प्रकार, ठीक। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन तीन टाइप का होता है हमारे पास। पहला अपन कह सकते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इसको हिंदी में क्या बोल देंगे, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग, ठीक है। दूसरा है एवरेज रेट, यानी कि औसत वेग, और तीसरा है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। इसको बोलते हैं अपन तात्क्षणिक वेग।
ठीक है, तात्क्षणिक वेग, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट, 1, 2 एंड 3, थ्री टाइप का होता है। अब वन बाय वन अपन बात करते हैं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो हमारे सिलेबस में ये है नहीं, ठीक है, प्रारंभिक वेग, बट फिर भी अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो व्हेन रिएक्शन स्टार्ट एट टी बराबर जीरो, टी एनी टाइम, जीरो सेकंड पर रिएक्शन जब स्टार्ट हो रही होती है तो वो रिएक्शन का जो रेट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इनिशियल रेट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में जब अभिक्रिया टी बराबर जीरो पर प्रारंभ हो, ठीक है, ये सिलेबस में है नहीं हमारे, हमारे सिलेबस में एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट को देखो आप पढ़ चुके हो पहले, एवरेज रेट ठीक है, ये क्या होता है आपको पता है, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी कह सकते हो आप, एवरेज रेट, ठीक। तीसरा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे टी बराबर 5 पर क्या स्पीड है रिएक्शन की, क्या रेट है, टी बराबर 4, अपन पर्टिकुलर किसी टाइम की बात करें, किसी क्षण विशेष पर, हिंदी में बात करें तो किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग। और इसको अपन किस तरीके से लिखते हैं बेटा, देखो आर आई एन एस टी इंस्टेंटेनियस लिख दिया मैंने, लिमिट टी टेंस टू जीरो, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। जब लिमिट टी टेंस टू जीरो की ओर जा रहा है इसका मतलब ये बहुत अल्प यानी कि वेरी लेस डिफरेंस के लिए यूज होगा, और ऐसे सिचुएशन में अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पढ़ा होगा आपने, तो इसको अपन डी बाई डी टी, और यहां पे जो भी आपका पर्टिकुलर, जैसे यहां पे सी की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन सी, कोई रिएक्टेंट ए आ जाएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ए ले लेंगे, ठीक है, डी बाई डी सी वन डी टी। याद रखना एवरेज रेट इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है, और इंस्टेंटेनियस रेट इस तरह से लिखा जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, देखो ये सिंपल सी बात है, जैसे आज अपन जनरली हमारी स्पीड की बात करते हैं कि बाइक लेके अपन मान लीजिए यहां से जोधपुर गए, तो जोधपुर गए तो यहां से जोधपुर मान लीजिए आपके पास 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर आपने 3 घंटे में डिस्टेंस को तय कर लिया, ठीक है, आप 3 घंटे में फलोदी से जोधपुर पहुंच गए, तो आप किस हिसाब से चले, तो आप क्या करोगे, आपकी स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, आप कुल दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना था आपके पास 150 अपॉन टाइम कितना लगा 3 आवर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 150/3, क्लियर है। तो यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चले, ऐसा मैथमेटिकली अपन कैलकुलेट करें, तो वो जो 50 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड आई है आपकी वो एवरेज स्पीड है, ठीक है।
क्यों है एवरेज स्पीड? क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि यहां से गाड़ी को आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आप जोधपुर पहुंचे तब तक आप 50 से चलते रहे। कभी आपने 80 पे गाड़ी चलाई होगी, कभी आपने 120 पे गाड़ी चलाई होगी, कभी आपने 20 पे गाड़ी चलाई होगी, कभी 30 किलोमीटर पर गाड़ी चलाई होगी, कभी रुक गए होंगे, ब्रेकर आ गया होगा, कभी गाय सामने आ गई होगी, इस तरह का वेरिएशन ऊपर नीचे चलता रहा होगा। मगर आप एवरेज निकाल रहे हो तो एवरेज स्पीड आपकी वो है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से बात करें तो एवरेज रेट जो है आपका डेल्टा से अपॉन डेल्टा टी होता है। यहां पर इनिशियल रेट, जैसे आपसे कहा जाए कि फलोदी से आप सुबह 5:01 पर शुरू हुए, तो 5:01 पे जब आप स्टार्ट हो रहे थे तब आपकी स्पीड क्या थी? टी बराबर जीरो पर, यानी जब तक आपने एक सेकंड भी तय नहीं किया था टाइम का, एक सेकंड भी आप नहीं चले थे, एक मिनट भी आप नहीं चले, उससे उस समय आपका इनिशियल रेट क्या थे तो वो आपको पता है, प्रारंभिक वेग जीरो होता है। फिर उसके बाद बात करें कि किसी क्षण विशेष पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो जैसे मान लीजिए आप सुबह 5 चले थे यहाँ फलोदी से और आप बीच में जोधपुर पहुंच रहे हो 8, तो मैं बात कर रहा हूं कि बीच में 7:25 पर आपकी स्पीड क्या थी, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, आपकी ताक्षणिक वेग हो गया कि उस समय आपकी स्पीड कितनी हो सकता। एवरेज स्पीड हमारी 50 आ रही थी, 7:25 पर आप जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, पॉसिबल है। तो ये ठीक उसी तरीके से हम डेली लाइफ में देखते हैं, इनिशियल रेट, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, यानी कि स्पीड से आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। चलिए अब अपन किस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट को क्वेश्चन जब आएंगे तो लिखना सीखते हैं, किस तरह से इसको लिखते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ए से बी, कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी, ठीक है। तो रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन माइनस आएगा, मैंने कल ही बताया था रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस। इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे हैं अपन अभी, डी बाई डी टी क्या आ जाएगा? ए। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी, तो ये हो जाएगा प्लस डी बाई डी टी बी, ठीक है। प्लस क्यों आया? अब कॉन्सेंट्रेशन में सी की जगह बी ले लिया या ए ले लिया, जो जैसा दे रखा वैसा ले लेंगे, यहां पर क्या आ गया? बी, ठीक है। और प्लस क्यों आया? क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब बात करें अपन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन देखो, जब भी रिएक्शन में अपन इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे तो जितना ए कंज्यूम होगा उतना ही बी बनेगा, जितना ए कम होगा उतना ही बी बनेगा। तो अपन लिखेंगे यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ए के विलुप्त होने की दर बराबर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बी के निर्माण की दर, ठीक है। जितना ए कंज्यूम होगा उतना ही बी बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना है? माइनस
डी बाई डी टी ए बराबर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी, यानी बी के फॉर्मेशन के रेट क्या है, प्लस डी बाई डी टी और बी। ये हो गया तरीका लिखने का आपको मैथमेटिकली, और ये लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अपन इस तरह का एग्जांपल लेंगे, इसको मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर देता हूं। देखो क्वेश्चन है, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन दे रखी है आपको 2A से B, पूछा क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है आपको 2A से B। निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग लिखिए, निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग लिखिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखते हैं अपन 4A, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। A के लिए क्या लिखोगे आप, माइनस, अब जो यहां पे मल्टीप्लाई में जो भी कोफिशियंट है यहां पर, ठीक है, मतलब जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है वो डिवाइड में चला जाएगा 1/2 डी बाई डी टी ए। फिर बता रहा हूं माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है। ठीक, 1/2 क्यों आया, क्योंकि यहां पर 2 मल्टीप्लाई में, तो जो भी यहां पर लिखा हुआ 2, 3, 4, 5 जो भी उससे उसको डिवाइड कर दो, इक्वल्स टू डी बाई डी टी और ए। इसी तरह से 4B के लिए क्या लिखोगे, प्लस डी बाई डी टी और ये बी। ठीक है, अब यहां पर रेट बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1/2 डी बाई डी टी बराबर प्लस डी बाई डी टी बी। ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, H2 प्लस Cl2 HgA है ना, ठीक है, फटाफट से आप ट्राई कीजिए जल्दी से। देखो डायरेक्टली बता दूं, रेट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी एच जी बराबर, ये भी रिएक्टेंट है, माइनस डी बाई डी टी सीएल टू बराबर प्लस डी बाई डी टी एच जी सीएल टू। ये वाले 2 को मत डिवाइड में भेज देना, ये वाले 2 को मत भेज देना आप, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो कभी कभार आधे नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी रिएक्शन देखिए पूछ लेता है कि इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखिए, रेट इसका लिखिए, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।